हमको पता था आप आएंगे। कृष्णा जी अपनी मीरा का कहा नहीं टाल सकते। यही सोच रही हो ना कि हम तो मर चुके थे, फिर तुम्हारे सामने जिंदा कैसे खड़े हैं। एक्सीडेंट में हम भी बच गए थे मीरा, फर्क सिर्फ इतना था कि कृष्णा को हॉस्पिटल ले जाया गया और शायद हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये तो हमारा नसीब अच्छा था कि वहीं पास के आश्रम के कुछ लोगों को हम बेहोश हालत में मिले और वो हमें आश्रम ले गए, वहाँ हम ठीक हुए। मीरा, हम 1.5 साल कोमा में थे, होश में नहीं थे, और जब होश में आए तो देखा कि तुम और कृष्णा पति पत्नी हैं। हाँ, हम और कृष्णा जी पति पत्नी हैं। अब जब सब कुछ जानती हो तो क्यों आई हो और हमको ये सब काहे बता रही हो? मीरा, हम जानते हैं कि तुम हमसे नफरत करती हो। उस सब तुमने जो कुछ भी देखा समझा उससे तुम्हें तो यही लग रहा होगा ना कि हमने कृष्णा को धोखा दिया और उसे छोड़ दिया। तुम्हारी गलती नहीं है ऐसा सोचने में, पर इतना जान लो कि वो सब कुछ झूठ था। सब कुछ ने वो सब कुछ अम्मा की बातों में आकर किया। मीरा, कृष्णा को दुख पहुंचाना हमारा मकसद नहीं था, बल्कि हम तो खुद ही अम्मा के धोखे का शिकार। बस करो प्रतिज्ञा, और नहीं सुनना चाहते हम। तुम्हारा इरादा का है और का था ये तुम ही जानो। तुमको क्या लगता है, तुम हमको कोई भी कहानी आकर ऐसे सुनाओगी हम तुम्हारा कहानी सच मान लेंगे? अपना दिमाग से नहीं भ्रम हटा दो। इंसान जब गलत होता है ना तो पूरी दुनिया के सामने अपने आप को सही बताता है और बाकी दुनिया को गलत, और तुम भी वही कर रही हो, कुछ अलग नहीं कर रही हो। चली जाओ यहाँ से, अपना वक्त बर्बाद मत करो, कहे कि तुम्हारी बातों का असर हम पर नहीं होने वाला है। चली जाओ। मीरा, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। अम्मा ने जहर दे देकर हमारी ऐसी हालत कर दी थी कि हमें सच में कैंसर हो, जैसे कि हम सच में मरने वाले हैं, और हम नहीं जानते थे कि ये सब कुछ अम्मा के जहर का नतीजा है। हमारी तबीयत के साथ ऐसी अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही थी कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मीरा, जो डॉक्टर हमें ट्रीट कर रहा था ना, वो खुद भी अम्मा से मिला हुआ था। ये सब अम्मा की चाल थी। अम्मा कभी नहीं चाहती थी कि हम और कृष्णा एक साथ रहे, और जब हमें ये विश्वास हो गया कि हमें कैंसर है तो जानती हो अम्मा ने हमें क्या कहा? अम्मा ने हमें कृष्णा के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करने के लिए कहा। तुम अगर उसको आगे नहीं बढ़ा सकती तो कम से कम मीरा के प्रेम में तो डाल सकती हो, धीरे धीरे उनको पास तो ला सकती हो, और जैसे धीरे धीरे तुम उनको पास लाओगी वैसे धीरे धीरे अपने आप को अलग तो कर सकती। और हम कृष्णा से इतना प्यार करते हैं कि आ गए हम अम्मा की बातों में। कृष्णा को दूर करने के चक्कर में ही हमने आदर्श के करीब जाने का नाटक किया था। मीरा, मीरा, हमारे साथ जो खिलवाड़ हुआ वो हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ भी हो रहा है। क्या परिवार में से किसी ने तुम्हें सच बताया आज तक? नहीं ना, जानती हो उस एक्सीडेंट के कुछ ही मिनट पहले अम्मा की पोल खुल चुकी थी, कृष्णा को सब सच पता चल गया था और उसने अम्मा के साथ सारे संबंध तोड़ दिए थे, और हम ये सब कुछ पीछे छोड़कर एक अलग दुनिया बसाने वाले थे कि उस ट्रक ने। बहुत देर हो चुकी है प्रतिज्ञा, बहुत देर हो गई है। आप कहाँ आई हो, कहाँ हासिल करने आई हो आप? कृष्णा की याददाश्त वापस लानी होगी मीरा, इसीलिए तो हम उसके होटल में सेक्रेटरी का जॉब कर रहे हैं। दोबारा फोन करने की हिम्मत की तो देखना, सर पे जितना भी झोंटा है ना उखाड़ देंगे। कृष्णा की याददाश्त वापस लानी होगी मीरा, और हम आज तुम्हें सब कुछ सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि
तुमने कृष्णा की सेक्रेटरी को कोई गैर औरत समझकर उसे नौकरी से निकलवा दिया, लेकिन वो सेक्रेटरी हम ही हैं। और हम ये भी जानते हैं कि तुम जानबूझकर कभी हमें और कृष्णा को अलग नहीं करोगी। तुम ये हमेशा चाहती थी ना कि हम और कृष्णा हमेशा साथ रहे, हमेशा खुश रहे। हाँ, पूजा का टाइम हो रहा है, जल्दी आ। आई अम्मा जी। बता भी नहीं सकते कि आपका गिफ्ट हमें कितना अच्छा लगा। अपना इस्तीफा दे दियो, आज हमको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। सर आज आपकी चार मीटिंग है, और जो आपने टूर्स एंड ट्रैवल्स का मोबाइल ऐप डिजाइन करने के लिए कहा था उसका प्रेजेंटेशन भी है। ये शेड्यूल ओके कर दें, हम आपके लिए एक दूसरी सेक्रेटरी अपॉइंट कर देते हैं। सॉरी सर। मतलब का बात सोच रहे हैं? रोए गवा सोए गवा, काम धाम करते हैं। तुमरा मीरा, इतना बेमन से काहे पूजा कर रही है? अरे ना कोई उमंग ना उत्साह, इसे पूजा करते हैं। देख बाकी सब कितना मन से पूजा कर रही है, मन लगा के पूजा कर। मीरा, हम जानते हैं कि तुमने कृष्णा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, और हम जिंदगी भर तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि ये व्रत भी तुमने कृष्णा के लिए रखा है। कहा हुआ मीरा, रुक कर गई? अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा, चल ना। देखो मीरा, अब जब तुम सच जान चुकी हो तो सच का साथ दो। देखो, हम भी जानते हैं कि तुम भी चाहती हो कि कृष्णा की याददाश्त वापस आ जाए, इसीलिए कृष्णा को उसके असली परिवार के साथ मिलाने में हमारी मदद करो मीरा। कृष्णा को उसकी असली पहचान, उसके प्यार और उसके परिवार से मिलने का पूरा हक है। धागा खत्म हो गया? अरे घर से चलते वक्त कितना बार चेताए थे कि सब सामान अच्छे से लेके चलो, और धागा खत्म होना शुभ नहीं होता है। हाँ।
हमारे पास भी नहीं है, तुम्हारे पास है क्या सर? निर्मल, किसी के पास ज्यादा धागा है तो इसको दे दो, कृष्णा बाबू का फेरा पूरा नहीं हुआ है, है तो दे दो। टुकुर देख कर ये लेती क्या नहीं है, लेके जल्दी से पूरा कर। पता नहीं कौन हाल में होगी प्रतिज्ञा यार, कहां सोच रही होगी हमारे बारे में। सर सारे लोग आ गए हैं मीटिंग के लिए। कैंसिल कर दो सर। बोल क्यों नहीं रही हो? देखो मीरा, बहुत उम्मीद लेकर आए हैं तुम्हारे पास, कुछ तो बोलो, करोगी ना हमारी मदद? तुम जानती हो आज क्या दिन है? आज वो दिन है जब एक पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है। सावित्री ने सत्यवान को अपना पति माना था, ठीक वैसे ही जैसे हमने कृष्णा जी को अपना पति माना है। हमने उन्हें अपनी जिंदगी में, अपने मन में बसा लिया है और अब हम उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। जो कुछ भी हुआ प्रतिज्ञा, उसमें ना हमरा गलती था ना तुमरा, और हम तुमसे कुछ छीने नहीं हैं। इसमें हमरा गलती नहीं था कि तुम मर के फिर से जिंदा होकर वापस आ गई। जो कुछ हुआ वो तुमरा कर्म था, हमरा कर्म मत बिगाड़ो। इसमें हमरा गलती नहीं है। शुक्रिया, शुक्रिया कि आप आए। अगर आप नहीं आते तो अपना पूजा से कभी संतुष्ट नहीं होते। यहाँ आकर आपने हमारा विश्वास और मजबूत कर दिया है कि आप उनसे प्यार करते हैं। शुक्रिया कृष्णा जी।
चलें। अम्मा वो पुस्तैनी घर जाना है, बाबूजी बोले हैं। अच्छा चल चल। अरे ठगुराई वट सावित्री बरगदाही सब हो गया ना, सब हो गया। बात मान लिया और आ गया तो पैर जमीन पर नहीं है या जमीन का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तुमको? रहने दो यार, ये तो कांच टूटा है, दूसरे तुम बात तोड़ रही हो, तो चैन से रहने दो, काहे तंग कर रही हो यार? और इसमें तंग करने वाली कौन सी बात है? कहीं की सेठानी है जो घर से सब सामान दहेज में लेके आई है कि कुछ तोड़ेगी तो बोलेंगे भी नहीं? तो जितना साथ दो ना उतने सर पे चढ़ रही है, देख रहे हैं हम। अब का हुई गोवा, सर पे चढ़ रही है? आज बट सावित्री का पूजा था, सुहागिन का इतना बड़ा पूजा, उसमें भी इसका मन नहीं लग रहा था। परिक्रमा के दौरान इनका धागे छोटा पड़ गया, दूसरे से मांगना पड़ा। अब पूजा के बीच में दो बार पता नहीं कहाँ चली गई थी, हैं? कहाँ गई थी रे? अम्मा जी, हम जो करते हैं सबके सामने करते हैं, दूसरों की तरह छुपा कर नहीं। क्या बोल रही हैं? कौन छिप छिप के कर रहा है? क्या कर रहा है छिप छिप के, हैं? अरे बोलेगी, क्या छुपल छुपवन चल रहा है जो तुम बोल रही है ये बात, बता ना। सोचने का लगी बताओ, वो क्या हुआ रे? मुंह में दही जम गया है, बोलेगी? उसका मुंह का तक रही है, हमको बता किसके लिए बोल रही है? बोलती गाय नहीं बोलेगे, बोले तुम्हारा आरती करेगा पड़ी। बताइए बात है क्या? केसर दीदी, हम सबसे एक बात छुपाई है, प्रतिज्ञा जिंदा है। हमें लगता था कि मीरा हमारे रिश्ते को सबसे ऊंचा मानती है तो हमें समझेगी, लेकिन उससे बात करके ऐसा लगता है कि वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। अब वो कृष्णा की पत्नी की जगह है और दूसरों के पति की लालच जिसके अंदर आ जाती है उसके लिए नैतिक और अनैतिक जैसी चीजें मायने नहीं रखती है। हेलो हेलो, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है, मीरा ने सबको बता दिया कि आप जिंदा हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमें वो हम आगे बाद में बात करते हैं। हेलो, जानते हैं हम जो कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, निहायत ही गलत है, लेकिन उससे दूर जाना भी ना हमका सही नहीं लग रहा है। जितना दूर जाने का कोशिश कर रहे हैं उतना ही अंदर ही अंदर मरते जा रहे हैं। क्या करें भगवान, अरे कौन से मोड़ पे लाए के खड़ा कर दियो यार। यहां रास्ता तो दिख रहा है लेकिन सही और गलत की ऐसी दुविधा में है कि कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं।